गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय पेनल्टी? पेनल्टी इज द एडिशन एंड बर्डन ऑन दोज असेसेस हु फेल्स टू कंप्लीट विद वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। पेनल्टी आप कह सकते हैं कि एडिशन चार्जेस जो ना सारे असेसेस से एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो प्रोविजनस फॉलो करने प्रोविजनस कंप्लीट करने की हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इट इज़ इन मोनिटरी फॉर्म, तो तुम्हें पता ही है ना भी उत्ते मान लो 50,000-40,000 रुपीज़ के टैक्स चार्जेस लग रहे थे, बट एट अ टाइम तुम पे नहीं कर रहे हैं ना, आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, फिर टैक्स पे कर रहे हो, तो ऑटोमैटिक तुहाडे उत्ते की लग जाएंगे या एक्सेस चार्जेस लग जाएंगे पेनल्टी के फॉर्म के मोनिटरी फॉर्म के। इट कैन बी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रस्ट फाइन। देखो तुम्हें पता भी फाइन या इंट्रस्ट की होंगे, एडिशनल चार्जेस जो तुहाडे ते टाइम लिमिट अक्रॉस होने करके लग जाते हैं। नैक्सट इज जनरल प्रोविजनस टू इंपोज पेनल्टी, कि प्रोविजनस ने पेनल्टी इंपोज करने के लिए। फस्ट की है डिस्क्रिशनरी इन नेचर, द इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, दिस डिस्क्रिशनरी विल बी यूज विद रीजन एंड नॉट आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की होंगे भी अपना किसी दो चीज़ों इकट्ठे करके ना, एक का आप कह सकते हैं भी लॉस दूजे के प्रॉफिट के सैट ऑफ करना, वो चीज़ की बन जाती है आर्बिट्रेरी। इदा का जो आप कह सकिए पेनल्टी के नहीं हों, पेनल्टी सिर्फ की होंगे ने डिस्क्रिशन नेचर के होंगे ने। इट इज़ इंपोज आफ्टर कॉन्सिडरेशन ऑफ द सरकमस्टांस ऑफ केस, फिर ही इंपोज होंगे ने जो अपने सारे सरकमस्टांस ने जोड़े लाइक अपनी एक ड्यू डेट होंगी है ना, या फिर बी रिलेटेड डेट है, वो सारिया की हो जाते हैं फुलफिल हो जाते हैं। द पेनल्टी विल बी इग्नोर्ड वैन देयर इज टैक्निकल ब्रिज ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पेनल्टी कदों नहीं चार्ज लगे, कदों इग्नोर की जाती है, जेकर कोई प्रोविजनस के ही ब्रीच हो गया। ब्रीच की होंगे भी किस चीज़ का टुट जाना है ना, जो प्रोविजनस ही कोई लाइक एक्सैप्शनल केस से आप नहीं पेनल्टी चार्ज कर सकते। नैक्सट है क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्वांटम आप कह सकते हैं भी अमाउंट, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल वेरी फ्रॉम केस टू केस एंड डिसाइडेड बाय अथॉरिटीज़। ये नहीं है भी हर एक केस के सिमिलर पेनल्टीज हो, हर एक केस के अलग अलग पेनल्टीज़ होंदिया ने। नैक्सट की है प्रोसीजर, बिफोर द लेवी ऑफ पेनल्टी द असेसी मस्ट गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, अदरवाइज द पेनल्टी विल बी वॉइड एंड इनवैलिड। हूँ देखो तुहाडे उत्ते फाइन लगता है ना, जो तुसीं फीस नहीं पे करते तो तुहानूं पहलां की आंदा है, पहला इनफॉर्मेशन हो जाए तुम पे करो है ना, अदरवाइज नहीं कोई तो फाइन या इंट्रस्ट लगता। सेम की है पेनल्टी के जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, फिर ही लगती है जो असैस की जाती है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप में। ठीक है, जे आप गल करिए असैसी आप बिना कन्फर्म करे पेनल्टी लगा रहे, फिर वो की बन जाती है वॉइड या इनवैलिड बन जाती है। नैक्सट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज, ये किसी कुछ अपने प्रोविजन से मीनिंग से पेनल्टी। नैक्सट आप करेंगे टाइप्स ऑफ पेनल्टीज। फस्ट की है पेनल्टी ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, अकॉर्डिंग टू सैक्शन 22(1) ऑफ इन असैसी फेल्स टू पे द पेमेंट ऑफ टैक्स दैन ही विल बी पनिश्ड विद एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग टैक्स इन एरियस। देखो 221 सैक्शन की कह रहा है भी जो असैसी देखो फेल हो जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स पे करने तो उन्होंने पनिशमेंट मिलेगी, बट नॉट एक्सीडिंग टैक्स नहीं, ये नहीं हो सकता भी वो जे टैक्स की पेमेंट है वह तो बनती है 10,000। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर वो लगा रहे हैं पेनल्टी 12,000, इस तरह नहीं हो सकता, सिर्फ उन्नी की अमाउंट तक लग सकता है जिन्ना कुछ का की बनता है इंट्रस्ट बनता है। नैक्सट के फेलीयर टू कंप्ली विद नोटिस अंडर सैक्शन 142-143 सब सैक्शन 2, ये की तुहाडे फाइलिंग ऑफ रिटर्न सैक्शन ने। जे तुसीं की कर रहे हो कंप्ली नहीं कर रहे फाइलिंग ऑफ रिटर्न के नाल, तुहानूं पनिशमेंट मिल सकती है विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। नैक्सट की है कंसीलमेंट और फर्निशिंग रोंग पर्टिकुलरस ऑफ इनकम, इफ एन असैसी कंसील, कंसील की होंगे किस चीज़ में छुपाना। इफ एन असैसी कंसील्स आर फर्निश रोंग पेनल्टीज ऑफ इनकम दैन ही विल बी पनिश्ड विद पेनल्टी नॉट लैस दैन अमाउंट इक्वल टू टैक्स टू बी इवेडिड और नॉट मोर दैन 3 times ऑफ टैक्स टू बी इवेडिड। कंसीलमेंट की है, देखो थोड़ी तुम मान लो असैसी हो है ना, तुम 3 heads तो इनकम कमा रहे हो, बट तुम की कर रहे हो सिर्फ 1 head की इनकम दिखा रहे हो गवर्नमेंट में या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर सीबीडीटी, बाकी 2 heads कर रहे हो कंसील कर रहे हो लुका रहे हो, तो इस चीज़ के की हो जाएगा तो रोंग पार्टिकुलर्स ने तुम ये काम क्यों किया, क्योंकि तुम की करना चाहते सी टैक्स नू इवेड करना, तो गवर्नमेंट तुहाडे उपर की लगा देती है पेनल्टी लगा देती है, जिन्नी तुम अमाउंट सेव की इवेड की उसके 3 times इक्वल। नैक्सट के रोंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म, वैन द प्रॉफिट्स ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो अदर दैन मैनशन इन द पार्टनरशिप डीड। देखो जो कुछ भी नहीं किया होंगे है तो जिन्हें पार्टनर उन्होंने की मिल जाता होंगे इक्वल शेयर मिल जाता होंगे, बट जे
ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਕੀਪ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਇਫ ਐਨ ਅਸੈਸੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ, ਔਰ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਫਾਈਲ ਐਨੀ ਰਿਟਰਨ, ਦੈਨ ਅਸੈਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਪੈਨਲਟੀ ਆਫ ₹25,000। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ₹25,000 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਔਰ ਆਫਟਰ 1 May 2007 ਬਟ ਬਿਫੋਰ 1 June 2012। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 271 ਇਫ ਸਰਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਦੈਨ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਸ਼ੈਲ ਪੇ ਵਾਈ ਵੀ ਆਫ ਪੈਨਲਟੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟੈਕਸ ਸਮ ਆਫ 10% ਆਫ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨਕਮ। ਦੇਖੋ ਪੈਨਲਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਸੀਬੀਟੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ, 10% ਆਫ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਇਨਕਮ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਚੁਰਾਈ ਸੀ, ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ 10% ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡੀਟਡ। ਦੇਖੋ 44A ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਡਿਡਕਟ ਟੈਕਸ ਐਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਫ ਐਨ ਅਸੈਸੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਡਿਡਕਟ ਟੈਕਸ ਐਟ ਸੋਰਸ, TDS ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਵਿਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੋਟਰੀ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਪੈਨਲਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਕਸ ਨੋਟ ਡਿਡਕਟ। TDS ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ TDS ਲੱਗਦਾ, 30%। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਨਲਟੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ TCS ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਟੇਕ ਔਰ ਅਸੈਪਟ ਲੋਨ ਔਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਬਾਏ ਚੈੱਕ ਔਰ ਡਰਾਫਟ, ਇਫ ਏ ਪਰਸਨ ਟੇਕਸ ਔਰ ਅਸੈਪਟਸ ਐਨੀ ਲੋਨ ਔਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਟਵੈਂਟੀ ਔਰ ਮੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਔਰ ਲੋਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਡਰਾਫਟ, ਸੇਮ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ₹5,000। ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਫਰਨਿਸ਼ ਐਨੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 5,000, ਜੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 100 per day ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੇਲੀ ਚਾਰਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦਾ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ₹100 per day ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ TDS ਔਰ TCS, ਤੁਸੀਂ TDS TCS ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ TCN ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਿਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50% ਆਫ ਯੂਅਰ ਇਨਕਮ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।